इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है आपका जो डैट में, है कि नहीं? सो दीज आर जेनेटिक्स इज अ वेरी हॉट टॉपिक फॉर एनी एग्जाम्स. तो वी विल स्टार्ट आवर टॉपिक विथ ओके एक्स 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 जीरो मैकेनिज्म. ओके एक्स 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 जीरो मैकेनिज्म, ठीक है. तो एंड ये भी इसका सबसेट है. तो आपका बेसिकली जो मेन पॉइंट क्या है, तो मेन पॉइंट है सेक्स क्रोमोसोमल हेटेरोगैमेसिस, है कि नहीं? तो दिस इज द मेन पॉइंट, जो सेक्स क्रोमोसोमल हेटेरोगैमेसिस. तो इन सेक्स क्रोमोसोमल हेटेरोगैमेसिस हम लोग जो पहला मैकेनिज्म स्टडी करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, एक्स 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 जीरो मैकेनिज्म. तो अब होता क्या है इस मैकेनिज्म में? तो इन दिस मैकेनिज्म द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज डिफरेंट इन बोथ द सेक्सेस, है कि नहीं? द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज डिफरेंट इन बोथ द सेक्सेस. ओके फीमेल्स आर represented as 2n equal to AA plus XX. Okay, 2n is equal to AA plus XX, comma, whereas the males are represented by 2n is equal to AA plus X. Okay, तो X, सिर्फ X. तो ब्रैकेट में आप लिख सकते हो it is written as X zero and zero means nothing. ऐसा नहीं कि वो जीरो क्रोमोसोम है. ओके तो इसका मतलब क्या है? जीरो का मतलब कुछ नहीं होता, ठीक है. सो जीरो मींस नथिंग. सो इन दिस मैकेनिज्म द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज डिफरेंट इन बोथ द सेक्सेस. फीमेल्स आर रिप्रेजेंटेड एज 2n इक्वल टू AA प्लस XX, व्हेयर मेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 2n इज इक्वल टू AA प्लस X, या आप X जीरो लिख सकते हैं. नाउ इसमें नोट लिखेंगे तो व्हाट इज A? तो जो ए है, सो ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑटोसोम्स. ओके सेट इज ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑटोसोम्स, और उसको सोमैटोसोम्स भी बोलते हैं, ठीक है. तो ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑटोसोम्स और सोमैटोसोम्स इन ह्यूमंस. A is equal to 22. क्यों? हमारा 44 plus, okay, क्यों? 2n is equal to 44 plus xx या xy, है कि नहीं? तो इसीलिए उस केस में हम लोग क्या लिखते हैं? Fine, so for that हम लोग क्या लिख रहे हैं? That actually A जो है वो 22 है. आया समझ? सो दिस इज द कंसेप्ट. हेंस हम लोग कह सकते हैं, सो वन कैन से दैट द मेल इज डेफिशिएंट इन वन सेक्स क्रोमोसोम. ओके क्रोमोसोम fine, so we can say that male is deficient in one sex chromosome, ठीक है. तो इसलिए इसका inheritance हम लोग कैसे पढ़ेंगे? So अब हम लोग को cross करना पड़ेगा. So we'll do a cross.
ओके, तो हम लोग एक क्रॉस करेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग लेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग लेंगे फिनोटाइप। तो फिनोटाइप क्या है, मेल मैरिज फीमेल, है कि नहीं, मेल मैरिज फीमेल। तो जीनोटाइप क्या होगा, तो मेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए ए प्लस एक्स जीरो, है कि नहीं, इस तरह से हम लोग मेल को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड जो फीमेल को कैसे लिखेंगे, ए ए प्लस एक्स एक्स, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट द फीमेल, क्लियर। नाउ ऑटोमेटिकली तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, गैमिट्स। तो गैमिट्स मेल का क्या हो जाएगा, ए प्लस एक्स एंड ए प्लस जीरो, एंड फीमेल जो हो जाएगा वो है ए प्लस एक्स, ठीक है। तो ये आपका कंसेप्ट है। तो जब आप इसको पेयरिंग करेंगे तो प्रोजेनी क्या बन जाएंगे, तो प्रोजेनी एक बनेगा आपका ए ए प्लस एक्स एक्स, तो वो क्या हो जाएगा, फीमेल। एंड दूसरा प्रोजेनी बन जाएगा ए ए प्लस एक्स जीरो, जो बन जाएगा मेल। फाइन, सो ये आपका क्रॉस है। तो इसीलिए अब हम लोग क्या करेंगे, उसको रिप्रेजेंट कर देंगे प्रॉपरली। तो ये आपका मेल है एंड ये आपके मेल गैमिट्स हैं। सो अल्टीमेटली ये भी बन गया क्या, मेल। एंड ये जो आपकी फीमेल है, ओके, दिस इज फीमेल गैमिट, एंड ये जो पेयर बना दिस इज फीमेल, ठीक है। नाउ हम एक नोट लिख सकते हैं यहाँ। तो इसमें मेल क्या करता है, तो इस केस में हम लोग लिखेंगे क्या, हेटेरोगैमेटिक। इसका मतलब जो मेल है वो अलग अलग गैमिट्स बना रहा है। एंड इधर क्या लिखेंगे, होमोगैमेटिक, ओके, तो होमोगैमेटिक, क्लियर। सो जो फीमेल जो है वो होमोगैमेटिक है। अब तो हम लोग पेयरिंग करेंगे, है कि नहीं। तो सपोज वी विल पेयर, तो हमने इसको मिलाया किसके साथ, इसके साथ, तो ये बना, है कि नहीं। एंड जब हमने इसको मिलाया इसके साथ तो ये बना, क्लियर। सो दिस इज हाउ यू विल डू द क्रॉस। तो इसका एग्जाम्पल्स क्या है, ये किस में रिपोर्टेड है, सो एग्जाम्पल्स, तो इट इज रिपोर्टेड इन कॉकरोचेस एंड ग्रास हॉपर्स, है कि नहीं। तो इट इज रिपोर्टेड इन कॉकरोचेस एंड ग्रास हॉपर्स, क्लियर। तो ये उसका एग्जाम्पल है, ठीक है, रिपोर्टेड इन कॉकरोचेस एंड ग्रास हॉपर्स। इज इट क्लियर, कोई शक है इसके बारे में आपको, चलिए। तो अगर नहीं है तो उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, इसका एक क्लास वर्क करेंगे, ठीक है। सो नाउ लेट अस डू ए क्लास वर्क, फाइन, क्लास वर्क। तो इन ब्लाटा ओरिएंटलिस, तो ब्लाटा ओरिएंटलिस क्या है, ब्लाटा ओरिएंटलिस एक कॉकरोच है। 2n इज इक्वल टू 32, ठीक है। डिस्कस द मेल एंड फीमेल गैमेट्स, धड़ाधड़ करिए, आपको एक मिनट दिया जाएगा, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा।
तो आप फटाफट सॉल्यूशन करिए, ठीक 1 मिनट पे। हाँ बोलो, एनी डाउट्स? आ गया आंसर? चलिए, सो आई विल डू इट नाउ। तो सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, तो आप सॉल्यूशन ऑलवेज, बिकॉज हम लोग हर समय क्लास में बोर्ड स्टाइल ही काम करेंगे। ओके, तो सॉल्यूशन इसका कैसे निकालोगे? नाउ 2n इज इक्वल टू ए ए प्लस एक्स एक्स इन, ओके एक्स एक्स इज इक्वल टू 32। ओके, सो ए इज इक्वल टू 15, है कि नहीं? देयरफॉर मेल गैमेट्स, ओके द मेल गैमेट्स आर 15 प्लस एक्स, ओके इसको ब्रैकेट में 16 क्रोमोसोम लिख सकते हो, एंड 15 प्लस 0, ओके द फॉर मेल गैमेट्स आर 15 प्लस एक्स, 15 प्लस 0 दैट इज 15, एंड फीमेल गैमेट इज 15 प्लस एक्स ब्रैकेट 16। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए। सो दिस इज हाउ यू, 16 मैंने टोटल नंबर है, तो नंबर क्या हो जाएगा? 16, नंबर हो जाएगा 16, इसका नंबर क्या हो जाएगा? 15, एंड इसका नंबर क्या हो जाएगा? 16। तो इसीलिए ये आपका कंसेप्ट, ठीक है? एक और क्लास, एक और क्लास वर्क किया जाए। सो वी कैन डू अनदर क्लास वर्क। सो क्लास वर्क नंबर 2, सो क्लास वर्क नंबर 2, तो इन या सपोज इन ग्रास हॉपर्स, ओके इन ग्रास हॉपर्स, ओके इन ग्रास हॉपर्स द मेल हैज 21 क्रोमो zones, discuss the gametes in both males and females. जल्दी करिए। हो गया, हाँ बोलो। इक्वल टू 10, क्या इक्वल टू 10?
हाँ ए टेन है, आपको गैमिट्स का डाटा बताना है ना। गैमेट्स आर 10+x एंड 10+0, वेरी गुड। तो सेम आपका उसी तरह से आपको सोल्यूशन करना है नहीं? तो उसी तरह से आप सोल्यूशन करेंगे क्या, दैट 2n इज इक्वल टू क्या, तो इसमें लिखना पड़ेगा इन ग्रास हॉपर्स मेल्स हैव ए प्लस एक्स जीरो जेनेटिक कंपोजिशन। ओके, तो ए प्लस एक्स जीरो जेनेटिक कंपोजिशन इफ 2n इज इक्वल टू ए प्लस एक्स जीरो इज इक्वल टू 21। ओके, देन ए इज इक्वल टू 10 है कि नहीं, ए इज इक्वल टू 10। सो मेल गैमेट्स आर 10 प्लस एक्स एंड 10 प्लस जीरो। ओके, 10 प्लस एक्स एंड 10 प्लस जीरो, वेर एज द फीमेल गैमेट्स आर 10 प्लस एक्स। समझ आ गया? चलिए, तो ये आपका कंसेप्ट हो गया किसका, इन केस ऑफ योर एक्स 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 जीरो मैकेनिज्म। चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट मैकेनिज्म में चले जाएंगे एंड दैट इज कॉल्ड योर ओके, तो उसको हम लोग एक्स 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 वाई मैकेनिज्म बोलेंगे। ठीक है, तो हाँ माधव जल्दी जल्दी आ, चार्ज कर लो जल्दी चार्जर ना, हैंग हो।